अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी जो है वो उस वक्त हमारे काम आता है जब हमें कोई डिवीजन नहीं करना होता और डिवीजन के बग़ैर ही हम ये मालूम कर सकें कि जो नंबर हमें गिवन है वो डिविजिबल है हमारे 2 से या 3 से या 4 से या 5 से या 10 से। ठीक है, तो ये किस तरह मालूम करेंगे ये मैं आज आपको बताती हूँ। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी इज़ एन ईजियर मेथड टू चेक वेदर अ नंबर इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय अनदर नंबर विदाउट डिवीजन। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2। ये मालूम करने के लिए कि कोई भी नंबर जो गिवन है वो 2 के टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा, इसका ये पॉइंट याद रखें कि यूनिट शुड बी इवन नंबर। एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, उससे फिर आप इजीली समझ सकेंगे कि ये कैसे हुआ। सपोज ये नंबर आपको गिवन है 28, ठीक, 20, 16, 12। अब इन नंबर्स में अगर आप यूनिट्स को देखें, यूनिट्स 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 यूनिट्स, ठीक, ये जो यूनिट्स हैं आप इनको देखें, ये इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी नंबर गिवन है, जैसे 28 गिवन है, तो इसका यूनिट अगर इवन नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल होगा, 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब है 3। 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये है, इफ़ द सम और टोटल ऑफ डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 3। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। द सम टोटल ऑफ डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 3। ठीक है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल मालूम करने के लिए जो सारे नंबर्स हैं वो प्लस करेंगे हम, और प्लस करके देखेंगे कि वो 3 के टेबल में आ रहे हैं कि नहीं। जैसे सपोज़ कि ये 246 एक नंबर गिवन है, अब हमें ये मालूम करना है कि 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता, तो आप क्या करेंगे, आप इन तीनों नंबर्स को प्लस कर लेंगे। ठीक, और ये हमारा आ गया प्लस करने के बाद 12। अब 12 जो है वो 3 के टेबल में आता है, यस, 3 4 12। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टोटल, ये जो पूरा नंबर है, ये भी 3 से के टेबल से डिविजिबल हो जाएगा, पूरा टोटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल सेम एज 2 होगा। ठीक है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल जो होगा वो ये होगा कि यूनिट शुड बी 0 और 5। ठीक, इसके एग्जांपल से बताती हूँ मैं आपको। सपोज ये नंबर गिवन है 2 6 8 0, ठीक, और 5 6 8 5। अब ये दोनों नंबर्स में अगर आप देखें इसके यूनिट्स को, तो यूनिट्स जो हैं वो आपके 0 है और एक में 5 है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों नंबर्स टोटली डिविजिबल बाय 5 हैं। देन 10 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि यूनिट शुड बी 0। ठीक है, 10 का जो यूनिट है डिविजिबिलिटी रूल में, तो 10 का जो यूनिट में जो नंबर होगा वो 0 होना ज़रूरी है। सपोज़ ये देखें आप, ये यूनिट जो है वो 0 है। इसी तरह से कोई भी आप नंबर ले सकते हैं, सपोज़ ये है, ठीक, ये 10 से टोटली डिविजिबल है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मुफीद मालूमात दूसरे स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।